अगर हम आपसे पूछें कि इस दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता कौन सा है, तो हम दोस्ती कहेंगे, क्योंकि बाकी रिश्ते तो आप पर निर्भर नहीं करते हैं कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे या फिर आपके भाई बहन कौन होंगे। लेकिन जब बात दोस्ती की आती है, तो दुनिया की इस भीड़ में अपने दोस्त को हम खुद चुनते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक इंसान का दोस्त एक इंसान ही हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको दोस्ती के ऐसे नायाब रिश्ते दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रोमांचक वीडियो। क्रिस्टीना, ज़ेनाटो एंड शार्क। सबसे पहले आप इस अनोखी दोस्ती को देखिए जिसके बारे में शायद ही किसी शख्स ने सोचा होगा, क्योंकि शार्क एक ऐसी मरीन क्रिएचर है जो किसी को भी अपना भोजन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाती, इसलिए हमें इससे दोस्ती का ख्याल बिल्कुल असंभव सा लगता है। पर कुछ लोग असंभव को भी संभव कर जाते हैं, और क्रिस्टीना उन्हीं में से एक है जिनकी दोस्ती कैरेबियन रीफ शार्क से है, जो कि 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है और बाकी नॉर्मल शार्क जितनी ही खतरनाक। पर न जाने इन शार्क को तब क्या हो जाता है जब ये क्रिस्टीना के पास जाती हैं, क्योंकि क्रिस्टीना इन खतरनाक शार्क के साथ न सिर्फ पानी में गोते लगाती है बल्कि उन्हें ऐसे प्यार करती है जैसे किसी कैट या डॉग को प्यार कर रही हो। और इसी वजह से क्रिस्टीना को लोग शार्क चार्मर के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये शार्क को वाकई में मोहित कर लेती है, जिसका नजारा आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, कैसे क्रिस्टीना ने इस शार्क को अपने हाथों के सारे वर्टिकली उठा रखा है। और लज्मी एंड लायंस। अब शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने द लायन किंग मूवी नहीं देखी होगी, क्योंकि चाहे बच्चे हो या बड़े, हर किसी को ये फिल्म पसंद आती है। पर जब बात शेरों से सामना करने की आती है, तो लोग अक्सर लड़कियों को कमजोर समझ लेते हैं, और उसी सोच को कड़ा तमाचा जड़ते हुए लज्मी कई सारी शेरों के साथ रहती है और उनका ख्याल रखती है। ये इन सभी के साथ तब से है जब ये बच्ची थी और इन्हीं शेरों के साथ खेलती हुई ये बड़ी हुई, जिस वजह से इनके आपस की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जहां कई बार ये शेर इस लड़की को अपना लीडर समझते हैं और पार्क में आने वाले किसी भी शख्स के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ये शेर लज्मी के साथ रहते हुए आ रहे हैं, जिस वजह से ये इंसानों को अपना भोजन नहीं समझते और ना ही कभी उनका शिकार करना चाहते हैं। जू कीपर एंड टीना द बेलुगा वेल। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब आप अपने क्रश को देखते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि इंसानों का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इस बेलुगा वेल को देखकर कोई भी ये कह देगा कि इसे इस जू कीपर से कितना प्यार है, क्योंकि बेलुगा वेल जो कि पैदा तो ब्लू कलर में होती है लेकिन बड़े होते होते इसका कलर व्हाइट हो जाता है, और ठीक ऐसी ही है टीना नाम की बेलुगा वेल भी, जो कि एक छोटे से साउथ कोरियन जू में रहती है और यहीं पर इसका क्रश भी काम करता है। दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि बेलुगा वेल वाकई में इस जू कीपर को बड़ा पसंद करती है, जहां ये पूरा पूरा दिन इसके साथ खेल सकती है, और जब ये इसके पास आता है तो ये इसे किस करने के लिए तुरंत पानी से छलांग लगाती है। वहीं जब बात इस जगह पर काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉयज की आती है, तो टीना तुरंत पानी में वापस चली जाती है, और अगर कोई इसके क्रश के पास खड़ा भी हो जाए तो इसका रिएक्शन काफी ज्यादा भयानक होता है, जिसका नमूना आप खुद देख लीजिए। तो देखा आपने कैसे टीना अपने क्रश को लेकर इतनी ज्यादा पजेसिव है और किसी को भी उसके नजदीक नहीं आने देती। आप कुछ भी कहिए, इनका रिश्ता सच में अनोखा है। टेंसी एंड गोरिला। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले एक 1.5 साल की बच्ची का वीडियो गोरिला के साथ खेलते हुए वायरल हुआ, तो काफी सारे लोग हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि भला वो कौन से पेरेंट्स होंगे जो अपनी इस छोटी सी बच्ची को गोरिला के साथ छोड़ दें। पर जब सबके सामने असलियत आई तो लोग ये समझ गए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बच्ची किसी और की नहीं बल्कि ब्रिटिश में रहने वाले एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट डेमियन एस्पिनाल की थी, जिन्होंने कई सारे जानवरों को रेस्क्यू करके वापस से खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, क्योंकि डेमियन का कहना है कि ये बचपन से ही जानवरों के साथ पले बड़े हैं, खास करके गोरिला के साथ, और अब ये यही संगति अपनी बेटी को भी दे रहे हैं, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी वो अर्ली 90s की थी। हालांकि अब तो इनकी बेटी काफी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी टेंसी का जानवरों के साथ जो रिश्ता है वो बरकरार है और वो अभी भी इनसे मिलने आती रहती है। सैम्बथ एंड कैमरून। दोस्तों, जब बात पाइथन की आती है तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जहां बड़े से बड़े जानवर को निगलने की ताकत रखते हैं, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो।
ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान पाइथन के पास जाना तो दूर, उसका ख्याल भी अपने सपनों में ना लाए। पर तब क्या हो जब हम आपसे ये बोलें कि एक बच्चा ऐसा भी है जिसकी दोस्ती किसी और से नहीं बल्कि पाइथन से है, और ये दोस्ती अभी की नहीं बल्कि बचपन की है। जी हाँ, कंबोडिया में रहने वाले सैमबैथ के परिवार में पाइथन तब आया जब ये बहुत ज्यादा छोटे थे। हालांकि जब ये पाइथन इनके घर में घुसा तो इनके परिवार वालों ने कई बार उसे जंगल वापस भेज दिया, पर हमेशा ये पाइथन वापस लौट कर आ जाता, जिस वजह से थक हार कर इनके घर वालों ने इसे अपने पास रखने की सोच ली। और जब ये किस्सा हुआ तो सैमबैथ करीब एक साल का था, जिस वजह से ये बचपन से इस पाइथन के साथ खेला और बड़ा हुआ। यहाँ तक कि ये बच्चा इस पाइथन के साथ सोता भी है, जो कि वाकई में हैरानी वाली चीज है। जॉयल एंड मांटा रे। आप लोगों ने एक स्पेशल तरह की स्ट्रिंग रे के बारे में सुना होगा, जिन्हें मांटा रे भी कहते हैं, और इस क्रिएचर की बॉडी 9 मीटर तक एक्सपेंड हो सकती है, जिससे आपको इनके जायंट शरीर का अंदाजा हो गया होगा। अब इतने बड़े आकार के जीव के साथ हम तो कभी भी छेड़खानी करना पसंद नहीं करेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना खतरे का अंदाजा लगाए उसी पल में जीना चाहते हैं, और ये छोटा सा 12 साल का लड़का भी यही करने की कोशिश कर रहा है, जो इस मांटा रे के साथ ऐसे खेल रहा है मानो इन दोनों की दोस्ती बचपन से हो। पर इन सभी चीजों में सबसे अनोखी बात तो ये है कि मांटा रे अपनी इच्छा से छोटे बच्चों के हाथों से फूड खा रही थी, और ये दिखाता है कि बच्चों की मासूमियत के आगे तो बड़े बड़े क्रिएचर्स भी पिघल जाते हैं। डेमियन एस्पिनॉल एंड क्वीबी द गोरिला। अभी आपको हमने गोरिला के साथ 1.5 साल की उम्र में खेलती हुई लड़की के बारे में बताया था, और तब हमने आपको उसके पिता डेमियन के बारे में भी बताया था। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि जब ये इतने बड़े एनिमल लवर है तो इनकी बात अलग से भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बार इन्होंने क्वीबी नाम के गोरिला और उसके भाई को तब बचाया जब वो दोनों बहुत ज्यादा छोटे थे, क्योंकि इन दोनों को ही कैप्टिविटी में रखने के लिए बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। पर तभी खुशकिस्मती से पुलिस वहां पहुंच गई और इन्होंने इन दोनों गोरिल्ला को इनकी सुरक्षा के लिए डेमियन एस्पिनॉल के साथ छोड़ दिया, और डेमियन ने बिना सोचे विचारे तुरंत दोनों गोरिल्ला को अपने पास रख लिया। हालांकि इनकी दोस्ती क्यूबी से कुछ ज्यादा ही थी, इसी वजह से इन्होंने उसकी खूब देखभाल की और सही समय आने पर उसे अफ्रीका के जंगल में छोड़ दिया, ताकि वो अपने जैसे बाकी गोरिल्ला के साथ अच्छे से रह पाए। लेकिन जब 5 साल बाद क्यूबी बड़ा हो गया और एक स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला की तरह काफी खूंखार भी, तभी जहां डेमियन ने उसे छोड़ा था वो वापस उसी जगह पर गए। और शायद आप हमारी बात पे यकीन ना करो, क्योंकि इतने सालों बाद भी इस गोरिल्ला ने डेमियन को ऐसे पहचान लिया जैसे लोग कभी अलग ही ना हुए हों। जिससे एक चीज तो साफ है, अगर आप किसी भी तरह के जानवर को प्यार देंगे तो आपका बन ही जाएगा। काइली एंड स्नोफ्लेक द डक। अब आप इस अनोखी दोस्ती पर एक नजर डालिए, क्योंकि जहां बाकी बच्चे पार्क में जाकर बतख को पानी में तैरते हुए देखना पसंद करते हैं, वहीं काइली इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर हमेशा अपने साथ रखना पसंद करती है। जी हां दोस्तों, काइली नाम की इस छोटी सी बच्ची का पेट एनिमल कोई और नहीं बल्कि एक बतख है, और इनका रिश्ता केवल एक मालिक और पेट एनिमल का नहीं है बल्कि बेस्ट फ्रेंड का है। इसी वजह से काइली जहां कहीं भी जाती है वहां अपनी इस स्नोफ्लेक नाम की बतख को ले जाती है। असल में जब स्नोफ्लेक बहुत ही ज्यादा छोटी थी तब से काइली इनका ख्याल रखती है, और ये सब एक तरह से ठीक भी है। लेकिन जब बात इसके सोने की आती है तो भी ये स्नोफ्लेक बैकयार्ड में बने अपने घर में ना जाकर काइली के पास ही रहती है, और इसी वजह से काइली के पेरेंट्स के पास कोई और विकल्प ना होते हुए इन्हें स्नोफ्लेक यानी कि इस बतख को अपने घर पर रखना पड़ा। पर वो घर गंदा ना हो इसलिए इसे डायपर पहनाए रखते हैं, जो काफी स्मार्ट आइडिया है। और अब तो काइली और इस बतख की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई है कि काइली इनकी भाषा भी बोलने लगी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।